हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश यादव एमके 3 क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। काम समय का आज मैं लास्ट चैप्टर लेकर आया हूं, लास्ट पार्ट लेकर आया हूं। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है मेरा। इसके बाद आपको चैप्टर मिलेगा नल टंकी बेहतरीन तरीके से। तो आज मैं इसको लेकर आया हूं ठेकेदारी पर प्रश्न। इसमें बहुत से बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, आज इसको बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, पूरी दिक्कतें दूर हो जाएगी। तो ठेकेदारी पर प्रश्न, ये भी हर एग्जाम क्वेश्चन पूछता रहता है। तो ही फार्मूला, इसमें मैंने दो ही फार्मूला का यूज किया था, कैल्शियम लेकर बताया था, एक W1D1T1 बटे काम बताया था। दो ही फार्मूला तो काम समय एंड किया हूं, कोई फार्मूला इसमें बताया हूं, कोई एक्स माना हूं, कोई कुछ नहीं माना, आप उसी टाइप से एंड किया हूं। तो इसी टाइप, इसी पूरा चैप्टर कंप्लीट मैथ आपको इसी तरह पूरे मिलेगी, आप परेशान मत होइए। तो ठेकेदारी पर प्रश्न भी क्वेश्चन पूछता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं यहाँ पर। तो आप देखिए, इसको एकदम सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आपके यानी कभी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप फंसेंगे ही नहीं, एकदम बेहतरीन तरीके से आप लगा सकते हैं, एकदम कंसेप्ट क्लियर करके बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेकेदार एक सड़क 25 दिन में बनवाने का ठेका लेता है। एक ठेकेदार है, मान लो कोई ठेके है, ठेकेदार है, सड़क बनवाने का ठेका ले लिया 25 दिन में, 25 दिन में ठेका लेता है, 28 मजदूर को काम पर लगाता है, 28 मजदूर को काम पर लगाता है, 18 दिन बाद वह देखता है कि 2/3 कार ही पूरा हुआ, कार समय पर करवाने के लिए और कितने मजदूर लगाने चाहिए, अर्थात उसको अतिरिक्त मजदूर कितने और लगाना चाहिए कि काम समाप्त हो जाए। तो कभी भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, 2/3 कार पूरा हुआ, अगर शेष कार निकालना हो दोस्तों, तो 2/3 लिखा हुआ है, जो मैं फिर से बता रहा हूं, तो शेष कार निकालेंगे, क्योंकि 2/3 कार हुआ, शेष कार निकालेंगे तो एक में से घटाते हैं, तो उसको जाएगा 3/2, 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 1/3, जो शेष कार हमारा बचेगा 1/3। ध्यान रखिएगा इतना, हमेशा शेष जो काम होता है शेष कार पूछता है, एक में से घटाते हैं। तो देखिए एकदम वही फार्मूला, फिर W1D1 मजदूर आदमी जो होता है, एक काम आदमी जो होता है, मजदूर होता है जो हो, ठीक है, तो W2D2T1 बटे काम, ये ध्यान रखिए, इसको M1 M2 भी कह सकते हैं, अब कंफ्यूज मत होइए, या तो पहले पद का गुणनफल बटे काम बराबर दूसरे पद का गुणनफल बटे काम। तो देखिए, एक ठेकेदार एक सड़क 25 दिन बनवाने का ठेका लेता है, तो जो हमारा ठेकेदार था वो 25 दिन ठेकेदार कह रहा है मैं 25 दिन में सड़क को बनवा दूंगा, 25 दिन में बनवाने का ठेका लेता है, 28 मजदूर को काम पर लगाता है, 18 दिन के बाद, मतलब 25 में से दोस्तों 18 दिन एक ले लिया, और उस 18 दिन 25 दिन का ठेका लेता है, 18 दिन तक 28 मजदूर को काम पर लगा देता है, 25 इसमें से 25 मजदूर, देखिए अब देखिए, इसमें से 25 में से 18 दिन ले लिया, और 18 दिन लेकर 28 मजदूर काम पर लगा देता है, तो काम कितना होता है, 2/3 काम हो जाता है, पूरा हुआ। फिर देखिए यार, देखिए अब 25 में से 18 दिन तो चला गया हमारा कहने वाले, देखिए अब हमारा दिन कितना बचा, हमारा दिन कितना बचा, कहने का मतलब इसमें से अब 25 दिन इधर चला गया, 25 दिन इसमें चला गया, 25 में से 18 चला गया है, तो हमारा 25 में से 18 दिन चला गया, कितना दिन बचा, 7 दिन बचा ना, तो 7 दिन ही बचा, फिर गुणे, फिर कह रहा है कि नहीं कितने और अतिरिक्त मजदूर लगा दे, यार 28 मजदूर लगाया, अब मान ली जाए कि उसी में एक्स मजदूर और लगा दे, तो 28+x 7 दिन बचा शेष, कह रहा कि और कितने अतिरिक्त मजदूर लगा दे, 28 मजदूर तो लगाया था, एक्स मजदूर और लगा दे, तो उस काम को कितने दिन में, मतलब कह रहा है कि नहीं कितने अतिरिक्त मजदूर लगा दे, तो एक्स मजदूर और लगा दे, तो ये 2/3 काम तो हो जाता है, शेष बचा काम निकाल दिए 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको काट सकते हैं, आप काटने के तरीके किसी भी तरह से काट सकते हैं, 7 2 7 4 28,
इकट्ठा नहीं है, 18 × 4 मैं यहां साफ साफ लिख देता हूं, 2 = 28 + 10 ये हो गया। अब इसको 2 × 2 = 18, 9 × 4 = 36, 28 + x इधर जाएगा 36, 28 x घटेगा तो 8 आएगा, तो कितने अतिरिक्त मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी, 8 अतिरिक्त मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी। तो कोई कठिन था क्या, लिखा भला हुआ है, लिखा दिख रहा है तुमको एक पेज का, परंतु कोई दिक्कत नहीं, फिर से बता देता हूं कि 25 दिन का ठेका लेता है, तो 25 दिन में 18 दिन उसने यूज किया और 28 मजदूर यूज किया, फिर उसके बाद उतना काम करता है, 2/3 काम करता है, तो काम लिख दिए। अब उसके बाद 18 दिन तो उसने यूज कर लिया, तो उसका शेष बचा कितना दिन, 18 में से 25 में से 18 घटा दिए, 7 बचा, कह रहा कितने अतिरिक्त मजदूर लगा दे यार, 28 मजदूर लगे हैं, इसी में मजदूर और जोड़ दें तो कितने मजदूर हो जाएंगे, शेष काम हमने आपको बता दिया है, शेष काम 1/3 काट दे, सॉल्व कर दिया, ऐसे आपको सॉल्व करना है, कभी कभी मजदूर हटाए भी जाएंगे तो आप देखिए ऐसे आपको सॉल्व कर देना है। तो मैं आपको अगला क्वेश्चन देखता हूं, 2-3 क्वेश्चन इसमें से क्लियर कर देता हूं, आप लगाइएगा क्वेश्चन इसी फार्मूले के हिसाब से। फिर अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन दिया दोस्तों, एक ठेकेदार 62 दिन में एक कार पूरा करने का ठेका लेता है, 32 व्यक्ति काम पर लगाता है, 30 दिन में 1/3 कार्य हो पाता है, कार समय पर समाप्त करने के लिए कितने व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे। देखिए 62 एक ठेकेदार है, 62 दिन ठेका लेने, एक ठेकेदार है 62 दिन सड़क बनवाने का ठेका लिया कि 62 दिन में सड़क को क्या कर दूंगा, बनवा दूंगा, उसमें से ही ठेकेदार कुछ तो अपना आमदनी सोचेगा ना, पहले अतिरिक्त कुछ थोड़ा बहुत कम मजदूर लगाएगा, सोचता है हमको बचत तो हो जाए ना कुछ, जब सोचता है कि काम नहीं हो पाता तो और सोचता है उसमें कितने अतिरिक्त मजदूर लगा दे तो काम पूरा हो जाए, कहने मतलब। तो 62 दिन लेता है, उसमें से 30 दिन मतलब 32 व्यक्ति काम पर लगाता है, 30 दिन तक 32 मजदूर लगाता है, इसमें से 62 में से 30 निकल गया, 32 मजदूर लगाता है, तो कार कितना हो पाता है, 1/3 का हो पाता है। फिर कह रहा है क्या, जब बताइए आप 62 में से 30 दिन उसने तो यूज कर लिया, ठीक, मतलब 30 दिन निकल गया, तो बचा कितना, 32 दिन बचा ना, 32 दिन बचा। फिर कह रहा है उसमें कितने अतिरिक्त मजदूर लगा दे, आप बताइए 32 मजदूर तो लगाया था, मान लिया 1 मजदूर और लगा दे, तो शेष कार निकालना है, 1/3 कार पूरा होता, शेष कार निकालना है, इसमें से 1/3 घटा देंगे, ऐसे इसमें से 2, इसमें से 3, 1 तो जाएगा 2/3, मतलब कि 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 कार्य को बचेगा शेष कार, 2/3 यार 3 से 3 कैंसिल, अभी कटा नहीं हुआ, हमें इसको ऐसे कर 32 से 32 कैंसिल, 30 = अब 32 + x 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 30 × 60 32 + x इधर जाएगा 30 + 32 लेस और कितना जाएगा 30 कहीं मैंने उसको कितने मत नहीं 28 तो घटेगा कितना जाएगा 28 क्योंकि 60 में से 32 घटेगा 28 आएगा 32 और 28 = 60 होता है तो जाएगा कितनी मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी 28 मजदूर तो कितनी अतिरिक्त मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी 28 अतिरिक्त मजदूर की और आवश्यकता पड़ेगी ये हो गया 28 व्यक्ति और लगाने उसको पड़ेंगे तो कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं मेरे समझ से आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैं कोई कठिन शब्द से तो बता नहीं रहा हूं इसको क्योंकि W1D1 के हिसाब से बता रहा हूं उतने रखना है जितना दिन यूज कर लेता है जितने आदमी यूज कर लेता है काम जितना करता है उतना जितना दिन बचता है जितने अतिरिक्त जोड़ना होता है उसी में से जोड़ देते हैं और क्या करते हैं। अब इसी के तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं देखिए अभी भी क्वेश्चन पूछता रहता है देखिए फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है अरविंद ने ध्यान दीजिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है अच्छे समझिए इसको
अरविंद ने 30 दिन में एक कार पूरा करने का ठेका लिया, 400 मजदूर लगाए, जो 9 घंटे प्रतिदिन कार करके 10 दिन में 1/4 कार पूरा कर सकता है। अब शेष कार समय पर पूरा करने के लिए वह कितने और मजदूर लगाए कि वे 8 घंटे प्रतिदिन कार करके समय पर कार्य संपन्न कर सके। देखिए लिखा बहुत बड़ा है, दिख रहा होगा तुमको बहुत कठिन, परंतु कोई कठिन एकदम सरल है। अब देखिए 30 दिन का ठेका लिया, 30 दिन फिर उसी तरह है, 30 दिन का ठेका लिया जिसमें से कितने दिन यूज किया, 10 दिन यूज किया है। अब कितने मजदूर लगाए, 400 मजदूर लगाए, कितने घंटे के लिए, 9 घंटे के लिए, 10 मजदूर लगाए, 10 दिन तक मजदूर लगाते हैं, 400 9 घंटे तक कार करते हैं, तो कार कितना हो जाता है, 1/4 कार हो जाता है। फिर कह रहा है अब देखिए, अच्छा जब 10-30 में से 10 दिन उसने यूज कर लिया तो बचा कितना, इसमें से घटा देंगे तो बचा कितना, 10 इसने यूज कर लिया दिन तो बचा कितना, 20। अब कह रहा है कितने अतिरिक्त और मजदूर लगाए, तो यार 400 मजदूर लगाए हैं तो इसी मान लिया कि मजदूर और लगाए तो वह कार 8 घंटे में संपन्न हो जाता है, शेष बचा कार, तो शेष बचा कार निकालेंगे इसमें से, तो 4-1, मैं एक एक चीज लिख के दिखा बताता हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, तो जाएगा 3/4। अब इसको जाएगा 3/4, 4 कैंसिल हो जाएगा, 20 दूनी 40 हो जाएगा। अब ये कर नहीं रहा है तो 4 से इसको और मैं काटना चाहूँ तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब देखिए 5 5 25 हो जाएगा, 25 9 3 27 हो जाएगा, ये 400 प्लस 10, इसको मैं 25 × 27 करूंगा 675 आएगा, आपका लीजिएगा 400 प्लस 10, इसको मैं घटाऊंगा तो 675 − 400 यक्ष बराबर हो जाएगा दोस्तों 275, तो कितने अतिरिक्त वृक्ष लगवाने पड़ेंगे, 275। तो आप ध्यान रखिए, 2-3 क्वेश्चन आपको बता दी, इसीलिए मैं कई तरह कई लेवल क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि भी आपको दिक्कत ना हो। अब इसमें ये चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए भी लिखा है, अब अतिरिक्त व्यक्ति लगाने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने व्यक्ति हटा दें, हटाने के लिए पूछता है, तो देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है, 124 दिन लेता है ठेका, 124 दिन का ठेका लेता है और 120 व्यक्ति को लगवाता है 64 दिन तक, और कार हो पाता है 2/3। अब 64 दिन इसने ले लिया तो हमारे पास बचा कितना, 60 दिन बचेगा, 124 में से 64 घट जाएगा तो बचेगा 60 दिन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अब कितने व्यक्ति को पूरा करने, मतलब कार पूरा करने के लिए अब कितने व्यक्ति को हटा दे, कितने व्यक्ति को हटा दे, तो 120 − 1 पहले जोड़ते थे अब घटा दे, अब घटा देते तो शेष कार 1/2, इसमें से घटाएंगे 2/3 कार होता तो शेष कार निकालना पड़ता, घटाते हैं तो हो जाएगा 1/3, तो हो जाएगा 1/3, इसमें से इसमें कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए 60 × 120, अब 2 से 2 कैंसिल, देखिए 64 = 120 − 1, अब इसको इधर लेकर चले आइए, इसको इधर लेकर चले आएंगे तो यक्स ये माइनस घट जाएगा तो 120 − 64 तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, इसमें से नहीं आप कोनी 120 में से 64 घटेगा 56, तो कितने व्यक्ति हटा दे, 56 व्यक्ति क्या कर दे, हटा दे, उसमें से कितने व्यक्ति को हटाना पड़ेगा, 56 व्यक्ति को हटाना पड़ेगा ही। तो आपको मैंने 4 क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से ठेकेदारी मजदूरी पर क्लियर किए, यदि आपको कोई डाउट क्वेश्चन होता है तो आप फेसबुक पर मेरे आप क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को जरूर आपको बताऊंगा। इसके बाद अगला मेरा चैप्टर आएगा नल और टंकी, इसी पर आधारित एकदम बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, कोई इसमें भी टिक नहीं रहेगी, ऐसे काम समय मैंने इंड किया उसी प्रकार नल टंकी को भी अच्छे से इंड करूंगा। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।
Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.